नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सारा इंतजाम हो गया। मंडलायुक्त ने श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए गर्मजोशी से स्वागत करने और आरामदायक रहने की व्यापक व्यवस्था की है। RFID केंद्र समेत पर्याप्त संख्या में बाथरूम, शौचालय, पेयजल बूथ लगाए जा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ महाकल्पत्रये नमः। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से इधर से यात्रा गुजरती है इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आप ने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर? यात्रा के लिए पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, BRO ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सकेंगे। अपने हाथ में Hare 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 Hare